भाजपा सांसद कंगना रनावत ने फिर से एक विवादित बयान दिया है और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अक्सर कंगना का जो रिश्ता है वो विवादों से है, लेकिन इस बार उन्होंने बयान देते हुए बाकायदा ये बात कही कि इस बयान से फिर से कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद मैडम ने ये बयान दिया और बयान दिया तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों से जुड़ा मुद्दा, जिस पर ऑलरेडी भाजपा हाईकमान कंगना को समन करके ये कह चुकी है, तलब करके ये कह चुकी है कि आप किसानों के मुद्दे पर बयानबाजी ना करें। लेकिन उसके बावजूद आपको बताएं कि कंगना ने आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो तीन कृषि कानून सरकार ने वापस लिए उन्हें फिर से लागू करना चाहिए। जी हाँ, वो कृषि कानून जिसकी वजह से 13 महीने किसान आंदोलन चला, किसान सड़कों पर रहे, पंजाब और हरियाणा ही नहीं पूरे देश और विदेश में इस आंदोलन को लेकर सवाल खड़े हुए, वो 13 महीने उस गड़े मुद्दे को आज फिर से कंगना ने जीवित करने की कोशिश की, उस मुद्दे को फिर से दोबारा हवा दी, उस आग को फिर से हवा दी, ये कह के कि वो जो तीन कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए थे माफी मांग के, उन कृषि कानूनों को दोबारा से वापस लागू करना चाहिए, वो कृषि कानून किसानों के हित में है। यहाँ तक कहा कि किसानों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए कि वो जो कृषि कानून हैं जो खत्म कर दिए थे और जिनको वापस सरकार ने ले लिया था, उन्हें दोबारा से लागू करना चाहिए। और ये किसी और ने नहीं कहा, ये कंगना ने कहा जो भाजपा की सांसद हैं और पहले भी किसानों के मामले पर कई तरह के विवादित बयान दे चुकी हैं। और हाल ही में जो उन्होंने एक विवादित बयान दिया था जहां उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में रेप हुए और उसको लेकर काफी बवाल हुआ, उसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें तलब किया और ये सख्त हिदायत दी थी कि आप इस मुद्दे पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगी। इसका मौका देखिए, हरियाणा में चुनाव है, चुनावी सरगर्मियां अपनी पीक पर हैं और ऐसे में, और हरियाणा भी कृषि प्रधान स्टेट है, यहाँ पर किसानों का गुस्सा ऑलरेडी भाजपा जो है झेल रही है और जिसकी वजह से किसान नाराज भी हैं भाजपा से, और ऐसे में इस वक्त पर भाजपा की सांसद का इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करता है। लेकिन कंगना बार बार हिदायत देने के बावजूद इस तरह के बयान क्यों देती हैं? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? क्यों वो बयानों से परहेज नहीं करती जबकि उन्हें सख्ती से कहा गया है कि आप किसानों के मुद्दे पर बयान नहीं देंगी, आप इस तरह के विवादित बयान नहीं देंगी, फिर भी भाजपा की सांसद होने के बावजूद इस तरह के उनके बयान क्यों आ रहे हैं? क्या वो सुर्खियां बटोरना चाहती हैं? क्या वो सुर्खियों में रहना चाहती हैं? सिर्फ इसी वजह से इस तरह के बयान दे रही हैं जिसका खमियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को एक बड़े लेवल पर भुगतना पड़ता है या फिर इसके डैमेज कंट्रोल में पार्टी लगती है? इसके पीछे की मानसिकता क्या है? क्या सिर्फ सिक्योरिटी रखने के लिए कंगना ये कर रही है या फिर चीप पब्लिसिटी, जिस तरह से मैंने कहा कि सुर्खियां और सुर्खियों में रहने के लिए कंगना ये कर रही है, या फिर इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि जब बार बार कहा गया है चुनावी माहौल है, हरियाणा जैसा जो प्रदेश है वो चुनाव में उतर रहा है, ऐसे में कंगना का उस मुद्दे को दोबारा से उठाना जिसकी वजह से किसान सड़कों पर 13 महीने रहे, कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। इसी बीच पंजाब के जो बीजेपी नेता हैं हरजीत गरेवाल, उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं कि कंगना इस तरह के मुद्दों पर बिल्कुल बयानबाजी ना करें क्योंकि ये इमोशंस को, ये भावनाओं को भड़काने वाली बात है और जो ऑलरेडी केंद्र सरकार कानून वापस ले चुकी है सोच समझ के, उन पर अब इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए, ये उन्होंने कहा। किसान नेताओं ने भी इस पर कड़ी जो है रिएक्शंस दिया है, उन्होंने कहा है कि कंगना को इस तरह के मुद्दे पर नहीं बात करनी चाहिए, किसान कानून वापस हो चुके हैं, वो तो तीन कृषि कानून है वो वापस हो चुके हैं, ऐसे में अब कंगना को नहीं पता है कि किसानों की भलाई किसमें है तो इसलिए उन्हें चुप रहना चाहिए। लेकिन ये बयानबाजी कितना डैमेज करेगी भाजपा को, खास तौर पर जो कृषि प्रधान स्टेट है और हरियाणा जिसमें अब चुनाव है और चुनाव के मुहाने पर प्रदेश खड़ा है, कुछ ही दिनों में जो है जो वोटिंग होनी है 5 तारीख को और 8 तारीख को रिजल्ट आना है, ऐसे में जब चुनावी माहौल पूरा पीक पर है, इस तरह के बयान
कहीं ना कहीं डेंट जरूर करते हैं।